नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी जनता के सामने झुकी सरकार की, सरकार के मजाक पर कांग्रेस के वार की। जानेंगे कि राजस्थान में क्या बोले अमित शाह, रफाल पर कांग्रेस ने बढ़ाई मोदी सरकार की परेशानी, और आखिर में बात भूमिहीनों की हुंकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी के गढ़ वाराणसी में गरजेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, दशहरा के बाद अयोध्या जाएंगे ठाकरे, 19 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली में होंगे शामिल। रोहिंग्याओं को वापस भेजने के मामले में आमने सामने आए असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। जवाब में बोले ओवैसी, भारत सरकार शरणार्थियों पर कर रही है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। सपा नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी आरएसएस पर हमला, कहा बीजेपी की जान आरएसएस में फंसी, आरएसएस पर वार करके बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को भेजा कानूनी नोटिस। चटर्जी ने कहा था आरएसएस ने सीधे तौर पर इस्लामपुर में भड़काई आग, जहां दो लोगों की हुई थी मौत। चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी पद से इस्तीफा दिया, अनियमितता के आरोपों के बाद छोड़ा पद, अब संदीप बख्शी लेंगे कोचर की जगह। नाना पाटेकर के कानूनी नोटिस के जवाब में तनुश्री दत्ता पहुंची महिला आयोग। नाना के खिलाफ शिकायत की दर्ज, तनुश्री ने नाना पाटेकर पर लगाया था गलत हरकत करने का आरोप। और राजकोट टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 364 रन। पृथ्वी शॉ ने जड़ा शतक, पुजारा और विराट कोहली का अर्धशतक। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आर्थिक मोर्चे पर आज दिन भर खराब खबरें ही मिलती रहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे दबाव में आए शेयर बाजार ने भी 800 अंकों की डुबकी लगा दी। दूसरी ओर डीजल पेट्रोल की कीमत भी राजधानी में अपने शिखर पर पहुंच गई। चौतरफा दबाव के बीच आखिरकार शाम होते होते लोगों को केंद्र सरकार की ओर से राहत दी गई और सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स कटौती की घोषणा कर दी। तेल कंपनियों ने भी 1 रुपए कटौती की है, जिससे लोगों को तेल की कीमतों में 2.5 रुपए कटौती का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को कुछ राहत देते हुए इन पर उत्पाद शुल्क में 1.5 रुपए कम कर दिया है। ये कीमतें आज रात से लागू कर दी गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ही तेल कंपनियां भी 1 रुपए प्रति लीटर दाम कम करेंगी। वित्त मंत्री ने राज्यों से भी वैट में राहत देने का निवेदन किया, जिससे डीजल पेट्रोल की कीमत 5 रुपए तक घट सके। वित्त मंत्री के ऐलान के तुरंत बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात सरकार ने वैट में 2.5-2.5 रुपए की छूट का ऐलान भी कर दिया। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जल्द ही वैट में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले आज भी डीजल पेट्रोल के दामों में तेजी का सिलसिला बना रहा और दिल्ली में आज पेट्रोल 84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया। शेयर बाजार में भी गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा की कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर शेयर बाजार पर दिखा। हताश निवेशकों की बिकवाली की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पहले ही सत्र में 800 अंकों की डुबकी लगा गया। दोपहर होते होते ये कुछ संभला, लेकिन शाम को ये फिर नीचे आ गया और कल के मुकाबले 806 अंक टूटकर 35,169 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी कल के मुकाबले 259 अंक गिरते हुए 10,599 अंकों पर बंद हुआ। शेयर बाजार की तरह आज रुपए ने भी गोता लगाया और ये 43 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 73 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया। रुपए की जारी गिरावट को लेकर इस बात की संभावना है कि जल्द ही आरबीआई की ओर से कोई कदम उठाए जा सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। देश में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने जनता का तेल निकाल रखा है, लेकिन इन सब के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनता को थोड़ी राहत देते हुए उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इसे लेकर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की राहत पर करारा हमला बोला है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी उछाल के बीच मोदी सरकार ने 2.5 रुपए कम करके खुद को जनता का हितैषी बनाने का दांव खेला है, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा बढ़ाने के बाद अब 1.5 से 2.5 रुपए घटाकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को चुनावी स्टंट करार दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5 राज्यों में हार सामने देखकर ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है, सच क्या है उसे साफ दे रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि इस साल के आखिर में 3 से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए ही सरकार ने तेल के दाम कम कर दिए हैं। वहीं सुरजेवाला से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रुपए के गिरते स्तर को लेकर सरकार को घेरा था।
आज सुबह जब रुपया टूटकर 73.77 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा, तब राहुल ने ट्वीट किया था, ब्रेकिंग रुपया गिरकर 73.77 पर पहुंचा, यह ब्रेकिंग नहीं ब्रोकन है। गिरता रुपया, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से घिरी है, जिस पर अब सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ नाम मात्र की राहत देकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तेल की कीमतों के साथ साथ रफाल सौदे को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रफाल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रुख किया और उन्हें कुछ नए दस्तावेज सौंपे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले रफाल सौदे को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रुख किया था। वहीं आज एक बार फिर कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल सीएजी के पास पहुंचा और 3 नए तथ्यों वाला ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। कैग से मिलने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने कैग को रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एग्जीबिशन द्वारा इस सौदे को लेकर की गई आपत्तियों की जानकारी दी। दरअसल संयुक्त सचिव ने सवाल उठाया था कि ये सौदा 3 गुना अधिक रकम पर क्यों किया जा रहा है। बाद में उनकी आपत्ति को दरकिनार कर एक अन्य अधिकारी से इस सौदे पर मुहर लगवाई गई और इस अधिकारी को पदोन्नति दी गई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने यह भी शिकायत की कि मीडिया के कुछ हिस्सों में खबरें आई हैं कि कैग जल्द ही सरकार को रफाल मामले में क्लीन चिट दे सकता है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इस संवैधानिक संस्था पर सरकार को क्लीन चिट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि रफाल सौदे में मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है और 126 विमानों की जगह मात्र 36 रफाल विमानों का सौदा किया है। उसका आरोप है कि मोदी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के साथ हुए समझौते से ज्यादा कीमत पर रफाल सौदा तय किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आगामी चुनाव सिर पर है, ऐसे में कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कमर कसे हुए हैं। राजस्थान में आगामी चुनाव के मद्देनजर वो राज्य का एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। आज भी शाह बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा। बीकानेर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका और पूरी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही बीजेपी आज यहाँ तक आई है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पहले बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती थी, लेकिन अब विरोधियों की जमानत जब्त होती है और वो भी हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से। उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी माँ है, हमें इसे बनाए रखने के लिए जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इस दौरान शाह ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आज विरोधी दल हमारी पार्टी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हमें इन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाना होगा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनानी होंगी, तभी गलत खबरों पर विराम लग पाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष लगातार पार्टी के चुनावी प्रचार को धार देने में जुटे हैं। इसके लिए वो जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी मजबूती दे रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो राजस्थान में शाह चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वैसे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अपनी रणनीति के तहत ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया था। इसे लेकर अभी तक कांग्रेस बसपा प्रमुख के खिलाफ बच बच कर बोल रही थी, मगर अब उसने पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि बसपा के जिद की वजह से ही प्रदेश में गठबंधन टूटा। निर्वाचन आयोग कभी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस सभी राज्यों में गठबंधन सहयोगियों की तलाश में जुटी है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में तो कांग्रेस और तेलुगु देशम के बीच गठबंधन हो भी गया है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे बसपा की ओर से जोरदार झटका लगा है। मायावती के रुख के बाद अब तक बसपा को लेकर नरम रुख दिखा रही कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बसपा की वजह से गठबंधन टूटा। बसपा ने गठबंधन के लिए जो मांगे रखी वो व्यवहारिक नहीं थी। बसपा उन सीटों पर दावा जता रही थी जहां वो काफी कमजोर है, और जिन सीटों पर बसपा मजबूत है उन पर उसने दावा किया ही नहीं। मायावती प्रदेश में 50 सीटें लड़ने के लिए मांग रही थी। प्रदेश में बसपा की ताकत को देखते हुए ये बहुत ज्यादा है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में भले ही बसपा से गठबंधन नहीं हो पाया हो, लेकिन कुछ छोटे दलों से गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर उनकी अखिलेश यादव से लगातार बात हो रही है और उम्मीद है कि प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाए।
कमलनाथ ने कहा कि भले ही बसपा से कांग्रेस का गठबंधन न हो पाया हो, लेकिन जमीन पर कांग्रेस काफी मजबूत है और हम अकेले ही प्रदेश में भाजपा को हरा सकते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने अपने पूर्व के बयानों को दोहराते हुए कहा कि बसपा ने भाजपा के दबाव में ही कांग्रेस से गठजोड़ नहीं किया है। इससे पहले मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन न होने के पीछे दिग्विजय सिंह को भी बड़ा कारण बताया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब गठबंधन किसकी वजह से टूटा ये तो पता नहीं, मगर इससे महागठबंधन पर खतरा जरूर मंडरा गया है। वैसे भारत और रूस की दोस्ती पर भी संकट दिख रहा था, लेकिन इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 23 घंटे के अल्पकालीन भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल फिर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। इस दौरान भारत और रूस में S-400 एयर डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। रक्षा के क्षेत्र में रूस को भारत का मुख्य साझेदार माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के रिश्तों में कड़वाहट आई है और इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि भारत अब रूस से ज्यादा अमेरिका से हथियारों की खरीदी कर रहा है, जिससे रूस नाराज है। शायद इसी का नतीजा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में पूरे एक दिन भी नहीं रुक रहे। वो आज अपने 23 घंटे के अल्पकालीन भारत दौरे पर हैं। आज व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज की मुलाकात के बाद अब कल सुबह 11 बजे भी दोनों देशों के प्रमुख हैदराबाद हाउस में मिलेंगे, जहां दोनों में द्विपक्षीय महत्व के विषय पर वार्ता होगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों में S-400 मिसाइल सौदे पर भी बात बन सकती है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सैन्य तकनीकी सहयोग रूसी राष्ट्रपति के मुख्य एजेंडे में शामिल रहेगा, लेकिन S-400 मिसाइलों की बिक्री को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत S-400 मिसाइलों पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि हथियारों के बेड़े में इसके शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ेगी। समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद पुतिन भारत रूस व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पुतिन का यहाँ के कुछ मेघावी बच्चों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वहीं देश रवाना होने से पहले वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात भूमिहीनों की हुंकार की। हरिद्वार से दिल्ली तक किसानों का मार्च अभी खत्म ही हुआ था कि मध्य प्रदेश के भूमिहीन सत्याग्रही ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। भूमि अधिकार की मांग को लेकर सत्याग्रही प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके विरोध को बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा का भी साथ मिला है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी 6 अक्टूबर को मुरैना पहुंचने वाले हैं। गांधी जयंती पर जहां एक तरफ देश के हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किया, तो वहीं मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में भूमिहीनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्वालियर के मेला मैदान में डेरा जमाने के बाद अब ये लोग दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। करीब 25,000 की संख्या में ये लोग आगरा मुंबई मार्ग पर पैदल चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि एकता परिषद और सहयोगी संगठनों के आह्वान पर हजारों भूमिहीनों ने ये जन आंदोलन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किया है। उनकी मांग है कि आवासीय कृषि भूमि अधिकार कानून, महिला कृषक हकदारी कानून और जमीन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालयों का गठन किया जाए, राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा और उसका क्रियान्वयन, वनाधिकार कानून 2005 और पंचायत अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाए। हालांकि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सत्याग्रहियों के बीच पहुंचकर उनकी बात केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने का वादा किया था, लेकिन ये लोग नहीं माने। वहीं इन सब के बीच सत्याग्रहियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का भी साथ मिल गया है। सिन्हा सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं। उन्होंने सरकार की कार्यशैली और उसके उद्योगपति परस्त होने को लेकर हमला बोला। वहीं बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुरैना पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।